रजब में कुंडे बड़े होते हैं जी, 22 रजब को बड़ी मीठी मीठी पूड़ियाँ और हलवे और बड़ा कुछ मिलता है। वैसे सुबह में आज हलवा पूड़ी खा के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खा भी भी 5-6 आया हूँ। कहते हैं मौलवी खाएंगे कहाँ से, इधर मैं जहाँ जाऊँ हर तरफ जो है ना वो लोग बुलाते हैं, मना कर करके भाई टाइम नहीं है नहीं आ सकता। भी बच्चों को आलिम बनाओ तो जी खाएंगे कहाँ से, और वैसे इनसे पूछो सबसे ज़्यादा कौन खाता है, कहते हैं मौलवी बड़ा खाते हैं। ये तादाद हमारे अंदर मौजूद है। तो जो 22 रजब के कुंडे, इसके बारे में तफसीली बातचीत में जाएं या खुलासा, बात यही है कि ये बिदअत है और 1906 में लखनऊ में शुरू हुई, उससे पहले इसकी कोई असल नहीं। और असल के अंदर तो 22 रजब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के जो आपकी अहलिया के भाई हैं यानी साले जैसे हम कहते हैं, और कातिब वही हैं, एक अजीम दर्जे के सहाबी हैं जिनकी हिदायत की दुआएं नबी अलैहिस्सलाम ने की हुई हैं, जिनको अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ुआन, उनकी वफात का दिन है, तो इसका भी कोई मामला ऐसा नहीं। एक और बात रह गई जी, 27 रजब का हज़ारी रोज़ा ये तो हो गया, अब मामला आता है शब मेराज का। इसमें ना बड़ी खूबसूरत तहकीक आज आपके सामने आएगी, बड़ी प्यारी बात, एक बहुत मज़ेदार। शब मेराज और शब कदर ये दोनों रातें हैं। अल्लामा इब्ने कई अपने अल्लामा इब्ने तीमिया रहमतुल्लाह से पूछा गया कि शब कदर ज़्यादा अफजल है या शब मेराज ज़्यादा अफजल है। अफजल दोनों हैं, किसी की नफी नहीं है इस सवाल में, दोनों ही फजीलत वाली अजीम बरकत वाली रातें, लेकिन पूछा यह गया कि दोनों में से ज़्यादा फजीलत किसकी है। बड़ा प्यारा जवाब दिया, उन्होंने फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में शब मेराज ज़्यादा अफजल है और उम्मत के हक में लैलतुल कदर ज़्यादा अफजल है, इसलिए कि इस रात में जिन इनामात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तस किया गया यानी इनामात दिए गए, वो उन इनामात से कहीं बढ़कर हैं जो आपको शब कदर में नसीब हुए, और उम्मत को जो हिस्सा इनामात का शब कदर में मिला वो शब मेराज के इनामात से ज़्यादा अफजल है उम्मत के हक में। देखें शब मेराज अभी 27 रजब है 26 रजब है या नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं, बात रिवायत रबीउल अव्वल की भी हैं। बहरहाल अगर 27 भी हो तो उससे कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वाकया तो इतना बड़ा अजीम है, इसका इनकार तो मुमकिन ही नहीं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम शान है और एक अजीम मुआजजा है जो नबी अलैहिस्सलाम को अता किया गया, और ये इसमें जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम को कुर्ब मिला और मकाम मिला वो किसी और नबी को नहीं मिला। और शब कदर में भी जो इनामात आका को अता हुए वो शब मेराज से कम हैं, शब मेराज में आका को ज़्यादा अरूज मिला, ज़्यादा कुर्ब मिला, बाकायदा फेस टू फेस अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, हम खराबी हुई। तो नबी अलैहिस्सलाम के हक में ये रात बहुत अजीम और बाबरकत रात है, और शब कदर ये खुद बाबरकत रात है, कुरान का नुज़ूल हुआ। लेकिन इसमें उम्मत के लिए आज तक शब कदर को तलाश करना, रात को जागना, दिन का रोज़ा रखना, मतलब रमज़ान में तो रोज़ा होता ही है, रात को जागना, उसकी तलाश करना, उसके लिए आपने एतिकाफ़ किया बरसों, उसके फ़ज़ाइल बताए, तो उम्मत के हक़ में आज भी उसकी अहमियत ज़्यादा है शब कदर की। शब मेराज ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात तक, उस रात तक के लिए महदूद था। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में एक रिवायत में आता है कि 5 हिजरी को शब मेराज हुई, एक में आता है कि इसके बाद 10 के करीब हुई। जब भी हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा के 10 सालों में शब कदर को एहतमाम से अदा करने के बारे में बहुत ताकीद की, शब मेराज के बारे में एक रिवायत भी नहीं। फिर नबी अलैहिस्सलाम के बाद 100 साल तक सहाबा कराम ज़मीन पर मौजूद रहे, शब मेराज के बारे में किसी सहाबी का कोई अमल मनकूल ही नहीं। तो शब कदर की इबादत क़यामत तक चलती चली जाएगी, इसमें उम्मत का बहुत फ़ायदा है नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से। शब मेराज नबी अलैहिस्सलाम की ख़ास और बेहतरीन शान है, बहुत आला तरीन मकाम है। क़ाबा क़ौसैन औ अदना का मकाम मिला, बहुत कुछ अता हुआ, और अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से हमें नमाज का तोहफ़ा भी आसमानों पे दिया बुला के।
तो जहां तक बात है शबे मेराज और शबे कदर के मामले में, तो शबे मेराज की न रात की कोई इबादत है, न दिन का कोई रोजा है, ये सब बातें मनगढ़ंत हैं, ज़ईफ़ हैं, झूठी हैं। ज़ईफ़ तो कहते ना कमज़ोर को, ज़ईफ़ को फिर भी फ़ज़ाइल में कबूल किया जाता है, लेकिन वो ज़ईफ़ से भी नीचे दर्जे की हैं। हमारे सामने साफ सुथरी शरीयत मौजूद है, फिर हमें ज़रूरत क्या है इधर उधर जाने की।